हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम सपना मिठलाणी फ्रॉम ऑसम पाठक स्कूल। वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर मूवमेंट ऑफ अ प्लांट एंड इन दिस वी हैव डिस्कस। सी देर आर वेरियस थियोरीज आर गिवन है ना टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप, बिकॉज वाटर की अप मूवमेंट यानी कि क्या हुई, एसेंट ऑफ सैप यानी कि रसारोहण समझाने की, रसारोहण की जो कार्य पद्धति है उसको समझाने की काफ़ी सारी अलग अलग थियरी है। उसमें से हमने वाइटल फोर्स थियरी पर मिस लास्ट टाइम कर ली, ये वाइटल फोर्स हमने कंप्लीट कर लिया। अब रूट प्रेशर थियरी की बात करनी है, मूल दाब थियरी की बात करनी है। आज हम यही बात करने जा रहे हैं, रूट प्रेशर थियरी। ओके, रूट प्रेशर थियरी, मूलदाब सिद्धांत, दैट इज गिवन बाय प्रिस्टली साइंटिस्ट। ओके सी, यहाँ पर मैंने ये प्लांट ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ रूट सिस्टम में आप देखिए ये क्या है, आपको पता ही है, मूलाधि स्तर, देन इसका बाह्य का रीजन है, और ये क्या है, अंतस्तर, फिर परिचक्र आएगा, उसके बाद वो एक्साइलम एलिमेंट आएगा, मीन्स जलवाहक पेशी है। ये क्या है, एपिब्लेमा, देन कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड देन एक्साइलम कंपोनेंट होंगे। तो वही सीक्वेंस मैंने ड्रॉ की है जो आपको पता है, जो हमने बात की थी, है ना। ओके, जो हमने पहले बात कर ली है, ये सेक्शन है रूट का, आप देख सकते हैं। अगर हम रूट का सेक्शन ले तो ये सेक्शन इस तरफ आपको दिखेगा, हमने ये ड्रॉ किया था, है ना, ये एपिडर्मिस यानी कि एपिब्लेमा, एंड देन फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड देन एक्साइलम कंपोनेंट, वही ड्रॉ किया है ना यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉइल सॉल्यूशन होगा, व्हाट हैपन, तो कि भाई आयंस एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इनटू दी एक्साइलम टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, तो वेरियस आयंस फ्रॉम द सॉइल, दीज आर द आयन्स फ्रॉम द सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इन टू दी वास्क्यूलर टिश्यूज ऑफ द रूट। यहाँ जो अलग अलग आयन होते हैं वो ये वाहक पेशी के अंदर सक्रिय वहन की क्रिया के द्वारा जाएगा। क्यों सक्रिय वहन, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो आयन्स ड्रॉ किए हैं कुछ ज़्यादा ही ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे कम, यहाँ पे पानी ज़्यादा है, तो आयन्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। और आपको पता है कि यहाँ ऑलवेज ऑस्मोटिक प्रेशर कितना रहेगा, 3 एटमोसफियर के आसपास, तो उससे कम ही होगा यहाँ पे, कि ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स ओपी ज़्यादा होगा, बिकॉज सॉल्ट ज़्यादा होगी सेल के अंदर, वेक्यूलर से थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होगा एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट सोल्यूशन। यहाँ पे धानी रस कैसा होगा, थोड़ा ज़्यादा संकेंद्रित होगा, ज़्यादा सांद्रता वाला होगा, यहाँ पे ये कम सांद्रता वाला है, यहाँ पे डाइल्यूट है, मंद द्रावण है, यहाँ पे अंदर जीवरस यानी कि प्रोटोप्लाज्म कैसा है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, बराबर ना, सांद्र द्रावण है ऐसा समझ लीजिए। तो सॉल्ट यहाँ पे कम है, कम से ज़्यादा तरफ, लोअर टू हायर, इट मीन्स एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन हुआ अप टू दी हियर, पहले सॉल्ट गई, सॉल्ट का फर्स्ट ऑफ ऑल आयन्स एक्टिवली ट्रांसपोर्ट, एंड देन फॉलोइंग इट क्या होगा, अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा ना कि सॉल्ट का, तो फिर पानी भी खींचा जाएगा, इट मीन्स फॉलोइंग दिस वाटर एब्जॉर्प्शन अकर्स, पर वाटर का क्या, वाटर ज़्यादा यहाँ पे है, यहाँ पे कम है, वो तो पैसिवली जाएगा, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं है, पानी का भी शोषण होगा। वाटर फॉलोज एंड इंक्रीजेज द प्रेशर ओवर हियर, अब पानी यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, इंक्रीजेज प्रेशर हियर इन टू द एक्साइलम टिश्यू, इट इंक्रीजेज द प्रेशर इन साइड द एक्साइलम। हाँ देखो मैंने लिखा है कि यहाँ पे एक्साइलम में प्रेशर बढ़ेगा, जलवाहक पेशी में प्रेशर बढ़ेगा, एंड दिस पॉजिटिव प्रेशर ऑफ वाटर हियर, तो दिस पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर ये धनात्मक, यहाँ पे पानी का जो धनात्मक दबान होता है उसको रूट प्रेशर कहते हैं, पर यहाँ पे नहीं कहना चाहिए। एक्चुअली तो मैं कह रही हूँ कि भाई यहाँ पे प्रेशर होता है, बट बिकॉज ऑफ यहाँ से प्रेशर था बाह्य के कोस में, सी दैट प्रेशर इन द कॉर्टेक्स सेल्स ऑफ द रूट, दैट प्रेशर डेवलप्स इन द कॉर्टेक्स सेल ऑफ द रूट, क्यों वहाँ पे,
और मुड़ना बाह्यक के कोश में क्यों होता है प्रेशर, देखो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये एपिब्लेमा है यानी कि मूलाधिसर है, फिर ये कॉर्टेक्स है, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये अंतस्तर है, यहाँ पे तो क्या है, कास्पेरियन स्ट्रिप सुबेरिन से बनी हुई, तो पानी यहाँ से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। आपको पता है संद्रव्य पथ और अपद्रव्य पथ पूरा पानी से भर जाएगा, तो प्रेशर पूरा यहाँ पे क्रिएट होगा कॉर्टिकल सेल में, वो प्रेशर क्रिएट होगा, वही प्रेशर के कारण से यहाँ से क्रॉस होगा और फिर यहाँ पे प्रेशर होगा। तो एक्चुअली कभी कभी पूछते हैं कि कहाँ पे प्रेशर, स्पेशली यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे रूट प्रेशर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से पानी आगे इतना जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कास्पेरियन स्ट्रिप। देखो यहाँ तो आपको पता है कोश दीवार, ज़्यादातर पानी कोश दीवार के मार्ग के द्वारा वहन होता है एपोप्लास्ट पाथवे, और यहाँ पे एपोप्लास्ट पाथवे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोश दीवार के पास क्या है, रेडियल वॉल पे तो स्थूलन है, या अरीय दीवार पे तो स्थूलन है, अंतस्तर के अरीय दीवार पे स्थूलन है, तो फिर अप टू हियर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, दिस इज़ रूट प्रेशर। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर तो यहाँ पे एक्सटेंड होगा और फिर उसकी वजह से पानी ऊपर जाएगा, तो ये प्रेशर के हिसाब से जाएगा ऐसा, है ना? ओके, तो वही है कि भाई बिकॉज सी रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग अप वाटर टू स्मॉल हाइट्स इन द स्टेम, पुशिंग अप है ना, प्रकांड में कम ऊंचाई तक पानी को ऊर्ध्व वहन करवाने के लिए ये मूड़दाब रूट प्रेशर जवाबदार है, ये ऊपर तक गया है ना। हाउ कैन वी सी द रूट प्रेशर एग्जिस्ट, रूट प्रेशर हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? देखो यही समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं, ये तो मैंने वुडी प्लांट जैसा है आपको ब्राउन कलर का ड्रॉ किया, समझ लीजिए कि भाई कैसा प्लांट है, तरुण प्लांट है आप ऐसा समझ लीजिए। चूज अ स्मॉल सॉफ्ट स्टेम्ड प्लांट, तो यही है, आप समझ लीजिए कि ये क्या है, थोड़ा सॉफ्ट स्टेम वाला प्लांट है, कुमड़ा प्रकांड है इसका। एंड ऑन अ डे व्हेन देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, अब मॉइस्चर कैसा है तो अभी यही को कट करना है यहाँ पे, बट मैंने ये दिखा है यहाँ पे, जब वातावरण में डे टाइम में वातावरण में एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर क्या होगा ज़्यादा, और ट्रांसपिरेशन रेट कैसा होगा कम, पानी यहाँ से दूर होने की प्रोसेस कम हो रही हो ऐसी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भेज होगा तो फिर पानी कम जाएगा, वाटर लॉस कम होगा ऐसी कंडीशन में। और ऐसी कंडीशन कब होती है तो कि भाई अर्ली मॉर्निंग में होगी, नाइट में होगी, तो ये टाइम पे क्या करना है तो कि भाई ये टाइम पे कट करना है स्टेम को, कट द स्टेम हॉरिजॉन्टली नियर द बेस विथ शार्प ब्लेड, देखो मैंने कट किया है, कट किया है तो ये एक्साइलम एलिमेंट है, यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं एक्साइलम एलिमेंट टूट गया है, और ये कट पार्ट ऑफ द स्टेम यू कैन सी, प्रकांड का कट थैला पोर्शन आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ से वाटर जा रहा है तो ये कट पार्ट से क्या यहाँ से ऊपर तो नहीं जाएगा, एक्साइलम कंपोनेंट टूट गए है ना, तो क्या होगा, तो ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये पानी जा रहा है भूमिय जल ही सॉल्यूशन यानी कि सॉइल वाटर जो यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ था, तो ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऊज आउट ऑफ द कट स्टेम, आप देख सकते हैं ब्लर हो जाता है, कट स्टेम ड्यू टू द पॉजिटिव प्रेशर रूट प्रेशर, यहाँ से रूट प्रेशर हो रहा है इसलिए पानी यहाँ से जा रहा है, क्यों यहाँ से पानी खींचा नहीं जा रहा है, देखो अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता, वाटर लॉस नहीं है तब की बात है, अगर पानी यहाँ से दूर जा होता तो फिर यहाँ पानी खाली खाली हो जाता, तो यहाँ पे पानी इस तरफ पानी खींचेगा, यहाँ पे खाली होगा तो फिर यहाँ से पानी खींचाई खींच उसका खेचान होगा, और फिर यहाँ से खींचेगा, फिर यहाँ से, वह नहीं हो रहा है अभी,
ट्रांसपिरेशन पूल डेवलप हुआ ऐसा दिखा ही नहीं रहे, क्योंकि हमने कट कर दिया है तो ट्रांसपिरेशन यहाँ से पानी की जो खिंचाव बोलाता है, सक्शन प्रेशर जो यहाँ से डेवलप होता है वो है ही नहीं। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि यहाँ से ही प्रेशर था कि इसकी वजह से पानी यहाँ से बाहर आ रहा है। पानी नहीं, सॉल्यूशन, सॉइल सॉल्यूशन, सॉइल वाटर। हाँ, तो यही धनात्मक मूलदाब के वजह से प्रकांड के जो कट हुआ भाग है उसमें से द्रावण बिंदु बराबर ऊपर आते हैं, उज आउट होते हैं, है ना। ये यहाँ से ड्रॉप ऐसे उज आउट होंगे ऐसे, है आप सोच लीजिए। ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन, दिस वन इज़ अ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन आप कह सकते हैं। तो अब क्या करें, तो कि भाई अगर हमें ये देखना है ये ड्रॉप का कंपोजिशन क्या है, कितना जा रहा है पानी, रेट अगर हमें डिसाइड करना है तो हम क्या कर सकते हैं। इफ़ यू फिक्स रबर ट्यूब टू द कट स्टेम एज अ स्लीव्स, यू कैन एक्चुअली कलेक्ट एंड मेजर द रेट एक्सुडेशन। ये कट पोर्शन है, वहाँ पे हम रबर ट्यूब को, प्रकांड का कट हुआ भाग है, वहाँ पे अगर हम रबर ट्यूब यानी कि रबर की पतली नली चढ़ा दे स्लीव की तरह, तो क्या होगा, यहाँ से पानी जो बाहर आता है वो बाहर नहीं पर इसके अंदर इकट्ठा होगा। मैंने ये ड्रॉ नहीं किया था, यहाँ पे नीचे जा रहा है, यहाँ कलेक्ट हो रहा है, ये एक्सुडेशन है ये रबर ट्यूब में। हो तो देखो, कलेक्टेड एक्सुडेशन बराबर एकत्रित किया हुआ स्रवित द्रव्य यहाँ पे है। स्रवित द्रव्य में वाटर ड्रॉपलेट्स भी है और रेड कलर के भी डॉट किया है, यानी कि क्या है, रेड वाला तो क्या है, सॉल्ट है, ब्लू वाला वाटर, तो वाटर प्लस सॉल्ट दोनों है ना। तो सी वी कैन मेजर दैट रेट ऑफ एक्सुडेशन एंड सेकंड डिटरमाइन, वी कैन डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द एक्सुडेशन। जो स्रवित हो रहा है द्रव्य उसका दर हम जान सकते हैं कि कितना स्रवित होता है, और फिर उसका बंधारण भी हम जान सकते हैं, है ना। तो भाई मैंने बोला कि भाई कब होगा ये, तो कि भाई अर्ली मॉर्निंग एंड नाइट। इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज ऑल्सो ऑब्जर्वेबल एट द नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग व्हेन इवोप्रेशन मीन्स ट्रांसपिरेशन रेट इज लो। अने आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कैसा होगा, ज़्यादा तब, यानी कि हम वेली सवार को और रात को रूट प्रेशर ज़्यादा असरकारक होता है, क्योंकि तब क्या होता है, वातावरण में भेज ज़्यादा होता है और ट्रांसपिरेशन उस दिन का दर कैसा होता है, कम, है ना। ओके, देखो तो ट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर लॉस, वाटर वेपर के फॉर्म में हो गया, वराल के फॉर्म में पानी दूर होता है। अब वाटर लॉस वराल के रूप में नहीं होगा, यहाँ पे प्रेशर हो रहा है तो पानी बाहर तो आएगा ही, तो कैसे आएगा, देखो आप देख सकते हैं ये वाटर ड्रॉपलेट ही है। वेली सवार को आप देखते हैं सुबह सुबह लीव्स के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, है ना, जहाँ कर जिसको आप बोलते हैं ऐसा लगता है, तो लीव्स के ऊपर ये पूरा भीना भीना, तो ये क्या है, वाटर लॉस हुआ है बट लिक्विड फॉर्म में हुआ है, लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म, वाटर लॉस इन अ लिक्विड फेज, दैट इज कॉल्ड वॉट गटेशन, बिंदुत स्वेदन। अब हम उसकी बात करते हैं, ये रूट प्रेशर का ही रिजल्ट है, रूट प्रेशर की वजह से ही वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में दूर हो रहे हैं, है ना, रूट प्रेशर का रिजल्ट है, खास ध्यान रखना है। तो अब बिंदुत स्वेदन की बात कर रहे हैं हम, है ना। सी अर्ली मॉर्निंग एंड ड्यूरिंग द नाइट when evaporation is low, the excess water collects in the form of droplets. Excess water collects in the form of water droplets around the special opening. This special opening, चक्कस प्रकार के छिद्र के आसपास ये water droplet, water के बिंदु दिखाई देंगे, बराबर आपको। यहाँ पे ये स्पेशल काइंड के वो ओपनिंग्स आप देख रहे हैं, तो ऐसे पूरे सरफेस में होगा अगर ग्रास हो तो दिस टाइप ऑफ द ओपनिंग यू कैन फाइंड एट द टिप। यहाँ पे ये ग्रास है, आप देखो ये हर्बेशियस प्लांट में ये टिप पे आप देख सकते हैं, ये शीरा होती है,
तो यहाँ टिप पे, यहाँ पे भी शिरा होगी, मैंने ड्रॉ नहीं की है, तो यहाँ पे आप टिप पे देख सकते हैं ये, तो स्पेशल ओपनिंग्स ऑफ द वेन नियर द टिप ऑफ द ग्रास ब्लेड्स एंड लीव्स ऑफ मेनी हर्बेशियस प्लांट. सच वाटर लॉस इन द लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड वॉट? गटेशन. अगर हम इसका सेक्शन लें तो लीफ का, देखो यहाँ पे सेक्शन मैंने ड्रॉ किया है, ये एपिडर्मिस यानी कि अधिस्तर है, ये क्या है, अधस्तर है, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है. अपर एपिडर्मिस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एपिडर्मिस के नीचे ये क्या है, हरित कणोतक पेशी, यहाँ पे भी हरित कणोतक पेशी है, यानी कि ये दोनों क्या है, क्लोरेनकाइमा, मेसोफिल सेल्स है, मध्य पर्णपेशी दोनों जिसमें हरित कण है आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी है, ये लंबोतक शिथिलोतक आप देख सकते हैं दोनों एपिडर्मिस की तरफ, यहाँ बीच में ये फ्लोएम और ये एक्सैलम, ये क्या है, फ्लोएम अनवाहक पेशी, और पिंक कलर की क्या है, एक्सैलम. तो ये एक्सैलम के ऊपर यहाँ पे देखो ये, यहाँ स्पेशल काइंड ऑफ ओपनिंग है, देखो ये पूरा ओपनिंग आप देख सकते हैं, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड व्हाट, हाइडेथोड पोर, जलोत्सर्गी छिद्रो इसको बोलते हैं, यहाँ पे मैंने सेल्स नहीं ड्रॉ की है, हाइडेथोड बोलेंगे जलोत्सर्गी छिद्र टिप के ऊपर, इसको हम वाटर स्टोमाटा भी बोलेंगे, स्टोमाटा यानी कि जल वायुरंध्र, जल वायुरंध्र, वायुरंध्र यहाँ पे ये क्या है, ये रक्षक कोश है, ये रंध्र, जल रंध्र बोलना चाहिए मुझे, यहाँ पे वायु नहीं लिखना चाहिए, जल रंध्र. और ये क्या है, वायुरंध्र, क्या के यहाँ से है ना, ये स्टोमाटा देखो यहाँ पे क्या है, ये गार्ड सेल है, ये स्टोमेटा है, तो यहाँ पे क्या है, गार्ड सेल, इट इज़ सराउंडेड बाय गार्ड सेल, मींस ये क्या है, रक्षक कोष होंगे, वो इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग करेगा, ये स्टोमाटा ओपन भी होता है क्लोज भी होता है, देखो आप देख सकते हैं कि ये मैं क्लोज ड्रॉ कर रही हूँ, ये ओपन हुआ, ये क्लोज टोमेटो मैंने ड्रॉ किया है, बंद वायुरंध्र, और आप देख सकते हैं ये ओपन है, यहाँ से वाटर लॉस हो रहा है ऐसा दिख, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे रक्षक कोश नहीं है, इट इज़ नॉट गार्डेड बाय गार्ड सेल, इट कैन ओपन एंड क्लोज, इट कैन ओपन एंड क्लोजेज बट इट रिमेन्स ओपन ओनली. यहाँ से पानी दूर होगा कैसे, वराल के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, यहाँ पे पानी दूर होगा ड्रॉपलेट के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ही, देखो यही हाइडेथोड है, जलोत्सर्गी छिद्र, जल उत्सर्गी देखो, यानी कि पानी का ही उत्सर्जन हो रहा है, और इसको वाटर स्टोमाटा बोलेंगे, जल रंध्र है ना, वही तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, बट ये जल रंध्र है, उसके नीचे ये स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स है, आप देख सकते हैं एपिथेम इसको बोलेंगे, ये सेल्स, ये पेरेन्काइमेटस सेल ही है, देखो ट्रांसफरिंग टिश्यू इसको बोलेंगे, है ना, ये पेरेन्काइमा ही है, मृदुतक पेशी है, ये मृदुतक पेशी ही है, मैंने लिखा नहीं है, बट ये एपिथेम ट्रांसपिरेशन ट्रांसफरिंग टिश्यू, पर इट इज़ मृदुतक पेशी, यानी कि क्या, पेरेन्काइमा, ये पेरेन्काइमेटिक सेल्स ही है, तो यहाँ से ये जल पानी पानी यहाँ से शिफ्ट बीच में से होके यहाँ से निकल जाएगा, पर पानी ही जाएगा जो, देखो वाटर लॉस, यहाँ पे प्योर वाटर होगा, यहाँ पे प्योर वाटर जाता है बाहर, बट यहाँ पे वाटर के साथ सॉल्ट भी होगी, इम्प्योर वाटर जो रिलीज होता है अशुद्ध होता है, इम्प्योर वाटर, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक भी होंगे इनऑर्गेनिक भी होंगे साथ में वाटर, है ना, ऐसा इम्प्योर वाटर होता है, वो खास ध्यान में रखना है ना, तो यही बिंदु स्वेदन वाला मैंने आपको बताया, पता चला आपको, ओके. कौन से प्लांट में ऐसे दिखेगा आपको, तो कि भाई एग्जांपल अगर टोमेटोज, बाल्सम, नोस्टर्टियम, कोलोकेसिया, सेक्सीफेरा प्लांट है, एंड सम ऑफ द प्लांट्स ऑफ क्यूकरबिटेसी फैमिली,
इन सब में ऐसे जलोत्सर्गी छिद्र होते हैं और वाटर लॉस होता है, ज़्यादातर दिखने को मिलता है, रूट प्रेशर की वजह से ही होता है ये गटेशन, है ना, बिंदु स्वेदन। अब बात क्या है रूट प्रेशर की, बात कर रहे हैं रूट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो रूट प्रेशर यार किसके लिए ज़्यादा रहे, कम हाइट के लिए, मैंने पहले ही बोला था, हमने बात की थी यहाँ पे कम हाइट के लिए, है ना, स्मॉल हाइट इन द स्टेम, इट पुशेज वाटर अप इनटू द स्मॉल हाइट प्लांट, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं वही कि भाई ये तो ध्यान में ही रखने हैं, ये नोट काफ़ी कि रूट प्रेशर कैन एट बेस्ट ओनली प्रोवाइड अ मॉडेस्ट पुश। भाई बाद में बात करते हैं, ये पहले हम देख लें कि भाई चलो अगर ये टॉल प्लांट है, आप समझ लीजिए ये टॉल प्लांट है, टॉल ट्री, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा डे टाइम में, तो यहाँ पे पानी ख़त्म होगा, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन टेंशन क्रिएट होगा, उत्सेदन दाब, उत्सेदन तनाव क्रिएट होगा, यहाँ वाटर लॉस होगा तो यह पानी खाली हो जाएगा, तो फिर यहाँ से पानी खींचेगा तो यहाँ खाली होगा, तो पानी यहाँ से खींचेगा तो पानी हम खींचा है जहाँ ऊपर खींचता है, तो क्या होता है कि पानी की कंटिन्यूस चेन नहीं रहती। देखो यहाँ पे पानी है हाँ, और यहाँ पे पानी नहीं है, आप देख सकते हैं कंटिन्यूस चेन नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, कभी कभी यह चेन टूट जा सकती है इसकी वजह से, तो फिर यहाँ से पानी खींचता है तो यह चेन टूटेगी, बट क्यों नहीं टूटती है, तो उसका कारण है कि यहाँ से रूट प्रेशर होगा, यहाँ से रूट प्रेशर होगा, सॉरी, तो क्या होगा, तो यहाँ से प्रेशर रहेगा तो फिर ये कंटिन्यू रहेगा, यहाँ से प्रेशर रहेगा तो ये जुड़ा हुआ रहेगा, कंटिन्यूस ऐसे ही रहेगी चेन यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये रूट प्रेशर तो क्या है, एक वही प्रोवाइड करता है, सी इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द रूट प्रेशर मे बी री एस्टेब्लिश द कंटिन्यूस चेन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इन द ग्जाइलम विच ब्रेक अंडर द इनॉर्मस टेंशन क्रिएटेड बाई द ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन की वजह से, उत्सेदन की वजह से जो ये चेन टूट जाती है, ये दबान क्रिएट होता है उसकी वजह से चेन टूट जाती है, तो उसको री एस्टेब्लिश करता है कौन, मुर्दाब। मुर्दाब का महत्वपूर्ण योगदान क्या है, जलवाहक में पानी के अणुओं की सतत सांकड़ को, यह सतत सांकड़ को पुनः प्रस्थापित करता है, कई जो अवार नवार बाष्पोत्सर्जन की वजह से जो उत्पन्न होता है, ये बाष्पोत्सर्जन की वजह से जो उत्पन्न होता है तनाव की वजह से ये टूट जाता है उसको ये चेन टूट जाता है उसको री एस्टेब्लिश करता है, तो यही, तो यानी कि क्या हुआ, यहाँ से दबान में मॉडिफिकेशंस करता है, थोड़ा ज़्यादा दबान लाने की ट्राई करता है, तो वही नोट हमने लिखी है कि भाई रूट प्रेशर कैन एट बेस्ट ओनली प्रोवाइड अ मॉडेस्ट पुश इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, दे ऑब्वियसली डू नॉट प्ले अ मेजर रोल इन अ वाटर मूवमेंट अप टू टोटल सॉरी टॉल ट्री, पानी के वहन की कुल क्रिया में मुर्दा मात्र दबान में फेरफार के लिए असरकारक है, उपयोगी है, बहुत ऊंचा अगर प्लांट होगा तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है वहन के लिए, पानी का वहन के लिए, उसके लिए तो यही बल जवाबदार है कि यहाँ से वाटर लॉस होगा फिर यहाँ से टेंशन क्रिएट होगा, यहाँ से पानी खाली होगा तो यहाँ से जाएगा, यहाँ खाली होगा तो यहाँ से खींचेगा, यहाँ खाली होगा तो यहाँ से खींचाई देगा, यहाँ खाली होगा तो यहाँ से, वो ट्रांसपिरेशन पूल रिस्पॉन्सिबल है, पर ट्रांसपिरेशन पूल में जो ब्रेक हो जाता है वाटर चेन कभी कभी, तो वो नहीं होता है बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर, है ना। सी रूट प्रेशर डज नॉट अकाउंट फॉर द मेजोरिटी ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट, मोस्ट प्लांट मीट देयर नीड बाय ट्रांसपिरेटरी पूल, ज़्यादातर पानी के वहन में मुर्दा को इतना कंट्रीब्यूशन नहीं देता है, है ना। मोस्ट ऑफ द प्लांट क्या करते हैं, उत्सेदन के द्वारा चल जाता है, ये प्रेशर है, खेचान बल है, ऊपर की तरफ खेचान बल होता है, वही पानी को ऊपर तरफ वहन के लिए उपयोग करता है ना।
तो बस आज इतना ही करते हैं। दूसरा अगर हम देखेंगे वो ट्रांसपिरेशन पूल होगा कि कैसे पानी ऊपर जाता है। चलो बाय।